और एक सवाल जो सबके मन में है देखिए बहुत सारी कहानियां गढ़ दी गई हैं क्या सच्चाई है क्या नहीं है मैं चाहूंगा कि आप में से कोई बता दे कि क्या सच है और क्या झूठ है सर गुंजन एक बड़ा अच्छा शेर है कि कोई कहे कहे ना कहे ये और बात है वरना सन्नाटे भी आवाज किया करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको शब्दों से उतना अच्छा नहीं समझाया जा सकता जितना दृश्य से समझाया जा सकता है तो बेहतर है कि पहले हम देख लें उसके बाद हम कहने के लिए तैयार हो जाएंगे चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया कितनी कमाल और कितनी सरलता से आपने बात की है रिक्वेस्ट टू प्लीज़ प्रोसीड फॉरवर्ड टेक योर सीट्स एंड जैसा आशुतोष जी ने कहा कि पहले दिखा देते हैं फिर बात करेंगे Uh, the trailer of Aranyak is being released today. Aranyak has been truly our labor of love. It is very unfortunate. I consider myself very unfortunate that I couldn't make it in time for the trailer release. I'm shooting far away in London, so I'm not being able to be there, present physically. But working on Aranyak has been an absolute honor. The, the team that you see, uh, the one which has put Aranyak together, uh, such a lovely series together, is indeed a dream team to work with. It's been a pleasure working with Netflix. Uh, so yeah here's uh, wishing all of us the best uh, with the trailer release and also that of the series uh, when it starts once it starts streaming from the 10th of december uh, so until the next time when i see you physically uh, here's uh, wishing all of you um, a very warm welcome to the trailer release and wishing every single member of the aranyak team uh, including myself uh, all the very best see you enjoy the evening enjoy the trailer enjoy aranyak awesome. रोहन सिपी जिनेश शाह प्लीजी जिनेश शाह तान्या बामी रवीना टंडन आशुतोष राणा Megna Malik, Zakir Hussain, Vinay Vaikul, and Charudat Acharya. First up, let's give them a big round of applause.

Just curious, sir. ये क्या है जैसे मैंने कहा होता है ना इतने सालों के बाद आप देखो लॉन्चेस हम लोग सब पहले मोहूर्त देखते थे मोहरत फिर प्रेमियर्स slowly slowly वो फेज हट गया धीरे धीरे यू नो मैं एक्चुअली मैं उधर बैठी थी एंड जब ये सब चल रहा था ना एंड सब के फ़ोटोज़ आ रहे थे और ये सब आई वॉज गेटिंग ओवरवेलम्ड एंड थैंक यू फॉर सच अफुल थैंक यू इट वॉज़ एक्चुअली आई आई फेल्ट ऑनर्ड टू बी असोसिएटेड विद दिस टीम एवरीबाडी एवरीबॉडी हेयर ऑन द मंच एंड एवरीबॉडी देयर इन लंडन ऑल्सो जो हमारा एक पार्ट हमारा एक दोस्त लंडन में बैठा है And everybody out here, really, i am आउट रियली आई एम amongst टू of all. Seriously, thank you all सीरियसली थैंक यू सो मच तो ये वो बड़ा केस आपको फाइनली मिल गया आशुतोष जी आप क्या कहेंगे सर uh, मैं रवीना जी से ये कहना चाहूंगा कि रवीना जी पुलिस की नौकरी और एक्टिंग दोनों एक जैसे ही होते हैं एक्टर को और पुलिस वालों को हरदम तैयार रहने रहना पड़ता है पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके सामने छोटी बड़ी आ जाए क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी छोटी बड़ी नहीं होती उसके परिणाम छोटे बड़े होते हैं तो आप तैयार रहीं और जैसा कि मैंने देखा कि इतना अद्भुत प्रेजेंटेशन जो नेटफ्लिक्स ने किया है कि हम लोगों ने सीरीज़ में काम किया है लेकिन हम खुद अचंभित थे और हमें लगा कि नहीं ये किसी और सीरीज़ के लिए हम एक <laughs> प्रजेंटेशन देख रहे हैं और काश हम इस सीरीज़ का हिस्सा होते तो जो नेटफ्लिक्स और नेटफ्लिक्स के साथ इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली टीम को हम बहुत धन्यवाद देते हैं साथ में ये ऐसा लगा कि बड़े अमीरों अमीर लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं हम तो शूटिंग के लिए बाहर जाते हैं लेकिन यहाँ पे तो आप मतलब ट्रेलर लॉन्च और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इतनी खूबसूरत जगह पे आप हमें लेके आ गए हैं तो ये अच्छे हम लोगों के अच्छे समय की दस्तक है के जब अमीर लोगों का साथ हमें मिलता Sir, है और सर आपको क्या लग रहा है मैंने इतनी पॉकेट्स क्यों रखी हुई हैं <laughs> बिल्कुल <laughs> इतना, इतना पैसा दे रखा है जगह नहीं थी सर इकट्ठी करने के लिए मेरे पास मेघना जी आप क्या कहेंगी कैसा रहा तजुर्बा आपका भी यहाँ पर नहीं जैसा आशुतोष जी कह रहे थे कि मैं भी जब देख रही थी और यू नो गाड़ी गुजर रही है और एक और ही अरण्य जो एक तो हम अरण्य में थे और यहाँ एक और अरण्य क्रिएट हो गया और हमें यहाँ लाया गया है आप सब लोग आज आरण्यक हैं <laughs> uh, तो बहुत यू नो आई वाज रीलिविंग द मोमेंट्स ऑफ द शूटिंग और वहाँ इतना ख़ूबसूरत था और आज ये फिर से एक ख़ूबसूरत माहौल जो बना है uh, तो बहुत uh, uh, बहुत खुशी हो रही है बहुत अच्छा लग रहा है और लिटरली जैसे आशुतोष कह रहे थे कि मैं भी ऐसे सोच रही थी कि मैं इसमें हूँ क्या hmm. मुझे शक हो रहा था <laughs> 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 फिर मैंने देखा कि हाँ हूँ मैं सो इट्स रियली आई मीन एंड खाली इतनी खूबसूरत टीम थी uh, इतनी खूबसूरत uh, जो किरदार लिखे चारों ने और विनय जी वहाँ uh, मतलब मैं जब शूटिंग कर रही थी तो मेरे uh, पीछे एक और आँख डिवेलप हो गई थी यू नो ऐसा लगता था अभी मैंने बोल दिया है और अभी ना विनय जी दिखाई दे रहे हैं पीछे आ रहे हैं और वो साथ वाले को एक्टर को भी नहीं सुनाई देता था क्या बोला तो वो इतना फैमिली यू नो आई इन फार इन टू दो माउंटेंस Everything was beautiful. So, thank you so much, Netflix. Thank you, Rohan. My first project uh, in Bombay was with Rohan. <laughs> uh, we did the film together, uh, his debut film. Yes. <laughs> and uh, thank you so much. It, it, it was lovely. The whole experience and today, and with such a brilliant cast, I really feel I'm very lucky. Thank you. और मैं देख रहा हूँ जाकिर जी इतना बड़ा बवाल मचा के बहुत शांत बैठे हैं बवाल मचाने वाले हमेशा शांति रहते हैं <laughs> वो कौन सा बवाल थोड़ी करते फिरते हैं बट हाँ ये ज़रूर है कि इस सीरीज का हिस्सा बनना एक बड़ी किस्मत की बात है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जो मैं सोच रहा था कि इतनी दूर आने की क्या जरूरत है वहीं जो है क्या नाम है ना न मैं तो वो कुछ स्पोर्ट्स स्पो क्लब में रहा था कि वही कर लेते इतना खर्च पर ये जो देखा अभी वो नहीं हो सकता था कहीं भी और वो फील जो है अरण्य का तो वो बहुत ही अच्छा मतलब जस्टिफाई होता है कि आपने इतनी मेहनत और इतनी चीज़ें सोची और की जो कि ट्रेलर से पहले जो आपने प्री ट्रेलर बना के दिखाया है जो डराया है बड़ा अच्छा बहुत खूबसूरत है तो बाकी बारह तारीख को क्या हुआ था होटल बॉम्ब में ये मुझे पता है वो मैं दस दिसंबर को बताऊंगा <laughs> बहुत, बहुत बहुत बधाई आप सबको और विनय कूल के साथ पहली बार काम किया मैंने लेकिन ये जो मेघना जी ने बात कही उसको मैं वो करता हूँ कि एक डिमांडिंग डायरेक्टर है आपने कुछ कर दिया तो उनको नहीं थोड़ा सा और थोड़ा सा और ही पुश्ड यू लाइक नॉट इन द रिहर्सल शॉर्ट में शॉर्ट के बाद शॉर्ट के बाद तो आपको भी फील होता है कि हाँ कि कुछ तो हमने मेहनत सी की है तो उसमें हालांकि आने जाने में बहुत मेहनत लगी दिल्ली से मनाली आठ घंटे फिर वहाँ से वापस तो सर दिल्ली से सिरोना, सिरोना हाँ, सिरोना मनाली थोड़ी गए थे हम सिरोना हाँ, तो वो बहुत मेहनत की हमने बाकी एक्टिंग वैक्टिंग तो करवा ली इन्होंने बाकी आने जाने में हमारी बहुत मेहनत लगी रोहन के साथ हमारा ताल्लुक़ जैसे इन्होंने कहा कि पहली फिल्म बहुत पुराना है जब बम्बई में पहला कदम रखा था तब से ही और आशुतोष जी तो हमारे मित्र हैं ही रवीना जी के साथ पहली बार काम किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ मेघना जी भी बड़ी कमाल की एक्ट्रेस हैं और खूबसूरत भी लग रही हैं आज काफ़ी तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा ये इवेंट है मेरे हिसाब से जो मैं इसका हिस्सा हूँ दिखाई कोई दे नहीं रहा मुझे लगता है मैं लाइटों से बातें कर रहा हूँ तो सर वो भी एक कारण है आपने अभी जो बात की कि हम ये मुंबई में भी कर सकते थे यहाँ क्यों लेके आए करेक्ट इसका जो सही जवाब है वो सुबह इनको खुद अपने आप मिल जाएगा ऐसा क्या ये जितने आए थे

थोड़ा मुझे मालूम है बड़ा थ्रिलिंग माहौल है बट मैं आपकी ऐसा कोई है नहीं जो आपकी एक्टिंग का या आपकी पर्सनालिटी का फैन नहीं होगा और आप इस शो में भी बोल रहे हैं वो आएगा खून पिएगा ये कर देगा वो कर देगा तुझे उठा लेगा हाँ तुझे तो मतलब मैं तो आप ऐसे क्यों डराते हैं सर मतलब एक तो मैं वाकई में आदमी घबरा जाता है आप देखिए आप कितने शांत स्वभाव के कितने प्यारे मुस्कान वाले आई जेनुअनली वॉन्टेड टू नो ये बड़ा <clears throat> व्यक्तिगत सवाल आपने मुझसे पूछा है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप संसार में आ, विजेता की हैसियत से रहना चाहते हैं तो कभी अपने डर के बारे में आ, संसार को मत बताइए कि आपको किस चीज़ से डर लगता है लेकिन चूंकि आपने पूछा है और इतनी अच्छी बात है तो मैं आज आपको बता दूं कि मुझे सबसे अधिक डर स्वयं से लगता है क्योंकि मेरे अंदर जैसा आपने कहा कि बड़ी शांति है और बड़ी एक सज्जनता है लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है कि उतनी ही अशांति भी है और उतना ही मतलब सृजन की जितनी क्षमता है तो मुझे लगता है कभी कभी कि मेरे अंदर विध्वंस की भी उतनी ही क्षमता है तो मैं स्वयं से बहुत डरता हूँ और स्वयं के प्रति बहुत सतर्क रहता हूँ कि मेरी वो जो ऊर्जा है उसका सकारात्मक इस्तेमाल ही हो होता रहे और कभी भी वो उस दिशा में ना जाए और इसलिए वो जो वो आएगा की बात होती है कि वो आएगा वो खून पिएगा तो वो जो चीज़ है मैं अपने लिए जो सोचता हूँ तो मेरा वो जो है वो मेरे अंदर की महत्वाकांक्षा है कि वो आएगी और वही महत्वाकांक्षा है जो मेरा खून पिएगी और अगर कुछ लोग इसको समझ जाते हैं तो वो सतर्क हो जाते हैं चौखंदे हो जाते हैं या कुछ लोग भयभीत भी हो जाते हैं करेक्ट दोनों थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट और जाकिर जी आप बोल रहे थे कि बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं तो इसका प्रमाण ले लेते हैं अब इस अंधेरे में से कहते हैं कि अपने अपने सवाल पूछिए तो आई एम क्यू नो ओपन द फोरम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स आई एम क्यों नो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रेज योर हैंड अब हाथ तो दिखेगा नहीं तो मोबाइल की टॉर्च जला दीजिएगा वी गॉड ऑफ वॉलेंटियर्स नो पास ऑन द माइक्रोफोन्स टू यू तो दिख रहे हैं वहाँ पे लोगों को उनकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी है चलिए I'm going to request you to please raise your hand, and uh, yeah, yeah. we're going to pass on the microphone to you. I, do you have a microphone? Yeah, yeah. I do. Uh, ji. hi Tanya. This is Durga from INS. Uh, what excites you about Aranyak, and what is Netflix's uh, strategy towards long-form storytelling? Hi. What excites me about Aranyak is everything on this stage to begin with uh, like i said truly inspired by ravina's character of kasturi dogra uh, i think every woman uh, will find a note in that character that will resonate with each of us at work at home in various facets of our life uh, above and beyond that it is uh, a beautifully written and very well created thriller that will keep you at the edge of your seat and um, we believe that stories should be propulsive, and this is definitely one hugely propulsive thriller. Um, our strategy, the second question, um, is actually exactly what uh, Aranyak tees off for us. So, starting with Aranyak, you will see a huge slate of extremely diverse series that will uh, come up, and I think there are some sneaks uh, for you. Um, like I mentioned, in December, we have decoupled. Uh, the New Year's full of like a whole uh, slew of very exciting and very diverse stories put together with amazing creative talent uh, that really sets us up for the year to come. Thank you very much. Uh, next question, please. Hi, Ravina, on your left. Uh, I'm too in the dark. All right. Uh, firstly, congratulations. Can... It's an amazing trailer. So, you. hats off to all. Everyone on the on the stage. Uh, my question to you is: How much could you relate to your character of Kasturi? Um, <clears throat> honestly, like I said, uh, when I heard Kasturi, Dogra's character, um, I think it is a story and the entire persona and and, and the dilemma that she goes through. Uh, at every point in her life, because she's this fiercely independent, super talented, brainy, brawny cop, and uh, is is waiting for that opportunity uh, to excel in in her life. Uh, you know, uh, where she's surrounded by all her male counterparts, and yet the full uh, prioritizing of her life, her family life, her husband, her children, her in-laws, and the very fact that she wants to achieve in her career, which she passionately loves being a cop. She's always wanted to be a cop. And the way we women juggle. Our careers, our lives, our uh, emotional uh, uh, support that we get from home or we don't get from home, uh, our priorities that are our children, our in-laws, our family—is that is what completely attracted me to her character because I think a lot of women can identify with that, and especially all our women in uniform. It is so important to get that kind of emotional support backing because the job that they do being a cop is not only something that is physically taxing it is mentally taxing there's so much pressure on them to try and excel to try and you know uh, get across uh, get some clues get solve a case the media is after them people are after them and this is what her life is all about so it's something that i might not identify because i might be one of those few lucky ones who's had constant emotional support from her family whether it was my parents, my husband, my children, to go out there and achieve and do my best in my chosen career. But there are so many women out there, so many Kasturi Dogras, who are not lucky enough to get that kind of emotional support. And that is what makes this character so beautifully strong for me uh, against all odds next please Hi, uh, this is puja talwar and my question is for rohan so how did the idea of aranyak i have got the title right originate uh, well all credit goes to uh, my friend charuda acharya here uh, he came back from a fun holiday in himachal uh, where he encountered this uh, woman, a, a cop in a small town there, and he started talking about her. And uh, he said, "I just know there's a character here, and I just love." Uh, in addition to her being fascinating, Charu is one of the most wonderful storytellers I've collaborated with over the years. So I said, "I'd love you to develop this further." And we're both. Uh, Charu is, is, is writes wonderfully in general. He writes women characters very well. He writes crime very well. So I thought it was something he would obviously enjoy and uh, we both are fans of the genre as well we've, we you know the last 10 15 years we've been exposed to so many good shows like that so that's really the genesis of it and and we kept that conversation going and he kept uh, working on it and kept uh, iterating and we we, we quite soon uh, managed to uh, have a really nice emotion, uh, emotional arc, which uh, of course is driven by Kasturi's character. And I, I, I love the relationship that uh, she and Ashutosh's characters uh, share in the film. She's the daughter in law who's more like a son to him than his actual son. So, I mean, all these lovely little uh, layers and nuances all really made made the the show come to life for me. And uh, it was just amazing to, then as we built momentum, collaborated with Siddharth, who's not here with us today, and uh, Vinay came on board, all the wonderful team, and of course, Netflix has helped us take it to another level. So yeah, it's been, it's been a, a great journey against the odds like Kasturi Dogra, <laughs> but we've got through the Himalayas, and I, and I really hope, uh, I mean, it's been a, for Charu, above everyone else, and for all of us, it's been an amazing labor of love. Um, so really excited for you guys to watch it, and and hope you enjoy it in a couple of weeks. Hi, uh, this is Bhavna from Bollywood Bubble. Uh, my question is for Zakir sir, actually, uh, sir. Uh, we saw the trailer. Firstly, a huge congratulation. The trailer looks amazing. Uh, but we couldn't really understand a lot about your character because, of course, strategically it has been kept uh, a mystery for all of us, um, which we will, of course, know on December tenth. But still, if we had to know what was the most exciting part for you about the character for you to say yes, because uh, we have always seen that you always pick up projects which are very different and unique in its own way. Honey. Um... कुछ काम जो होते हैं वो अच्छे काम हैं इसलिए करने पड़ते हैं और कुछ होते हैं जो अच्छे लोग बुला रहे हैं इसलिए करने पड़ते हैं <laughs> तो बड़ा पुराना रिश्ता है रोहन जी से तो वो इसमें पिक करने वाली बात नहीं थी वो उन्होंने मुझे पिक किया कि आप ये रोल करेंगे तो मैंने कहा जी ठीक है मैं कर लूँगा <laughs> तो उसमें कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि भाई स्क्रिप्ट अच्छी है क्योंकि चारू को हम बीस इक्कीस साल से जानते हैं और इनके और भी काम लिखे हुए राइट फ्रॉम द बिगनिंग सैटरडे सस्पेंस हो या कुछ ऐसी स्टोरीज बहुत खूबसूरती से लिखते थे तो ये एक यकीन था कि लिखा तो अच्छा ही होगा और अगर इतनी बड़ी टीम जो है उसमें शामिल है रॉय कपूर फिल्म और रोहन सिप uh, रमेश सिप्पी एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स ने लिया है तो ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ हल्की चीज़ होगी तो उसमें क्या होता है कि आपको बिलीव कर लेना पड़ता है समटाइम बस हाँ आप अपनी थोड़ी सी उसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एक अभिनेता के तौर पे कैसे कर सकते हैं उसको किस तरह से उसके लिए डायरेक्टर साहब हैं तो uh, बहुत मेहनत हमने की इन्होंने करवाई भी और आपके सामने है तो मैं कुछ और ज्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि दस तारीख के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं हैं थैंक यू बिल्कुल नहीं था इतना आसान नहीं था ये लोग जो बोल रहे हैं कि बहुत स्क्रिप्ट अच्छी थी तो हमें अच्छा लगा अच्छे लोग थे बेसिकली बहुत कन्विंस इनको भी करना पड़ा सब लोगों को करना पड़ा काफी सवाल पूछते भी थे ये लोग काफी तो ऑब्वियसली एक्टर्स ने काफी कुछ ऐड भी किया है नहीं ये झूठ है मैंने नहीं नहीं। आज तक आपसे एक भी सवाल सवाल नहीं नहीं किया एक्टर <laughs> <laughs> सर आप आप सवाल नहीं करते, आप करते सवालों का इतना अच्छा जवाब देते हैं ना उसमें एक सवाल होता है सर हाय हाय दिस 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 वे ऑन द राइट इज़ दिसदून शेरिया रवीनाफ्ट लुकिंग स्टर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड लॉन्ग टाइम जी 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 बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मंथ ना ओके सो यू नो एक जनरल कंसेंस ये है कि टिप टिप बरसा पानी को रिक्रिएट करना रवीना टंडन के बगैर मुश्किलें नहीं नामुमकिन है एंड ऑन दैट नोट कम्स द प्रोमो ऑफ अरान्यक जो वन थिंग दैट आई पर्सनली फील एज अर इज़ दैट दैट लेवल ऑफ हंगर दैट इज देयर इन योर परफॉर्मेंस एटलीस्ट फ्रॉम द प्रोमो दैट वी कैन गेज सो कैन वी सेट दिस इज द फ्रेश स्टार्ट इन अ वे दिस इज रवीना टंडन टू पॉइंट टो ट द्वेशन बट इफ यूट इफ यूज ओनली टॉक अब्लिक सब जानती है खर्चा कर रखा है तो क्या करते रहते हैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा जो पहला फिल्म में डेब्यू था पत्थर के फूल दैट वॉज़ नाइन्टीन नाइन्टी वन दैट वॉज विद सिपी फिल्मस अब मेरा ओ टी टी डेब्यू जो है लाइफ कम्स अ फुल सर्कल ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज़ अगेन विद सिपी फिल्म सो दिस इज़ अगेन फॉर मी इन माई लाइफ अनदर लैंडमार्क विच नाइनटीन नाइन्टी वन पत्थर के फूल गिव मी थर्टी ईयर्स ऑफ मी स्टिल बींग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड यू ऑल टॉलरेटिंग मी

my question is for charudattacharya uh, Acharya. Um, i just wanted to know that uh, you know pace is an essential uh, ingredient of a thriller and uh, but when you have a thriller in the long format obviously it gives you, um, you know, the, the ability to kind of uh, put it in uh, put in a lot more details uh, but how do you also keep the interest and the pace alive even in a long format um, thriller so to speak uh, well you know uh, there are some rules that we try to follow like in, when we structure a long format thriller that essentially while the, the thrilling aspect is something that gets audiences, especially a hoax. What actually people eventually invest is the characters. And if our characters are relatable and there is a resonance and, you know, like we've just been talking about, you know, relatability, I think those emotions, when they're genuine and when there is a certain, you know, you identify and with their wants and needs and things, I think the balance between...

ये सीरीज शूट करने के दौरान आप लोगों के लिए क्या चैलेंजिंग पार्ट रहा सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या रही वेल आई थिंक बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं शायद सबसे यादगार मोमेंट था एक साल नवंबर uh, पच्चीस को एक्चुअली uh, जब हम मनाली में शूट रहे थे हिमाचल में तो डिसाइड uh, किया था कि वो क्लाइमैक्स की जो शूट थी तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड uh, थी वो दिसंबर के अंत में थी तो हमने कहा कि अभी उस टाइम पे बर्फ़ होने का डर है तो आ, आ, हम उसे शिफ्ट करेंगे तो हमने 25 नवंबर के दिन तय की थी तीन दिन के लिए शूट करना था एंड ऑफ़ कोर्स उस सुबह इतनी बर्फ <laughs> पड़ी कि वहाँ वो लोकेशन पहुँचना ही मुश्किल था मतलब आ, सांस लेना मुश्किल था और जब मैंने देखा कि विनय पहला शॉट ले रहे थे तो लगा कि ये अभी हम माउंट एवरेस्ट तक <laughs> पहुंच गए हैं इसके आगे और चैलेंजेस नहीं आएंगे तो फॉर मी आई थिंक दैट इज दिस सिंगल बिगेस्ट चैलेंज आई मीन देयर मेनी मेनी ऑन द शूट बट इफ एंड्रू एंड यू नो ऑफ टू द एंटायर क्रू एंड कास्ट आई मीन लाइक यू नो इट वाज वेरी डिफिकल्ट शूट बहुत ही मुश्किल था 200 लोग की यूनिट सारे एक्टर्स पोस्ट कोविड हम लोग काम कर रहे हैं और उसके बीच में वो तीन दिन का शूट जहाँ पर ढाई फीट की तीन फीट की बर्फ में एक्टर्स काम कर रहे हैं क्रू काम कर रहा है कैमरामैन एक्शन मास्टर ऑल दैट यू नो हाँ मतलब एक एक दो जगह पर तो ऐसे हो कि हम लोग पहुंच नहीं पा रहे यू you नो know, गाड़ियाँ नहीं जा रही है सब कुछ इट वॉज मतलब लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मतलब हम लोग खुश भी थे ये सब कुछ कर पा रहे थे तो द एंटायर टीम ऑफ टू हंड्रेड पीपल दे जस्ट लाइक यू नो दे जस्ट टुगेदर एंड वो एनर्जी था उससे काफ़ी एक्चुअली काफ़ी इंस्परेशन मिलती है तो थैंक्स टू द क्रू थैंक्स टू द कास्ट was an amazing experience. And it's a it's a climax that you can't imagine without the snow. So hats off to the whole crew and the cast. Yeah, yeah. And, and that really we could not have choreographed anything. That is just something that it just uh, happened. I mean, you yeah, know. These are the magic moments that happen if maybe once every 10 years or something as you're working. <laughs> और उसमें जो सॉरी उसमें जो एक अच्छी बात ये मेरे उसमें सीजी नहीं है बर्फ जो गिर रही है वो असली में बर्फ गिर रही है कर, हाँ, अगर आपको शॉर्ट्स में दिखेगा आपको लगेगा अरे ये तो ग्रीन पर्दे पे कर लिया होगा नहीं ऐसा नहीं है वो रियल आ, गिरती हुई बर्फ में और आ, चाहे वो खिड़की के बाहर हम देख रहे हैं उसमें जरा भी सी वर्क नहीं है वो तीन हम हम, हमें तो मालूम नहीं था कि हम क्लाइमैक्स करेंगे तभी बर्फ होगी नहीं होगी वी आर होपिंग वो एग्जैक्टली exactly उन तीन दिनों पे ही कोई था हमारे साथ तो या बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एंड मेरा जो दूसरा सवाल था वो रवीना जी एंड मेघना जी आप दोनों लोगों से था कि जैसे जो हमारा बड़ा पर्दा है जो फिल्में हैं वो यूजली मेल डोमिनेटिंग है हीरो ओरिएंटेड है क्या आपको लगता है कि ओ कि एक किस्म से ए, उनको ए, वो एक जवाब की तरह आया क्योंकि फीमेल्स यहाँ पे थोड़ा लीडिंग है अगर लीडिंग नहीं भी कहे तो एटलीस्ट कंधे से कंधे मिला करके चल रही हैं हाँ, जैसे ये किरदार भी जो जगदम्बा का किरदार है जैसे जहाँ कस्तूरी की अपनी एक फ़ाइट है उसकी अपनी लड़ाई है ऐसे ही जगदम्बा भी जो है उसकी वो अपनी ही जिंदगी के द्वंद्व में फंसी हुई है Uh, वो भी प्रोफेशनल राइवलरीज जो हैं उनसे जूझ रही है वो एक अकेली uh, माँ है जो बच्चे को पाल रही है और uh, साथ में जो एक मैन्यपुलेटिव वर्ल्ड है वो उसमें अपना डटकर उसका सामना कर रही है एम्बिशन भी है सो so, ये कहानियाँ अब जब सामने आ रही हैं ओ टी टी पे ज़्यादा मौक़ा मिल रहा है हमें एंड इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स लेयर्ड कह लीजिए टेढ़े मेढ़े कह लीजिए ट्विस्टेड कह लीजिए वो खेलने का जब मौका मिलता है तो ख़ुद में भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम ये कर पाए और ये भी बड़ी अच्छी खूबसूरत बात हो जाती है जब इस तरह से कई बार बहुत सारी महिलाएं आपके सामने आती हैं आपसे कहती हैं कि Uh, इतना ख़ूबसूरती से हमने रिलेट किया बड़ी आपसे ताकत मिली उस किरदार से तो ऐसे मौके हमें और मिलने लगे हैं uh, ये खुशकिस्मती है और नेटफ्लिक्स खास तौर से लाइक uh, कस्तूरी like एक सेंट्रल पावरफुल वुमन इतना इम्पोर्टेंट सिंबल uh, जो दर्शकों तक पहुंचने वाला है uh, तो बहुत अच्छी uh, बात है ऐसी कहानियाँ और चारू जैसे कहा कि महिलाओं की कहानियों को वो बहुत खूबसूरती से पेश करते हैं उन किरदारों की जो गहराई है उनके जो इमोशंस हैं उनके जो कॉन्फ्लिक्ट हैं परिवार के साथ प्रोफेशनली ऑफिसज़ में वो बहुत खूबसूरती से उजागर हुआ है इसमें सेम उपमा दोपहर में तो आपको बोल दिया मैंने सब Uh, uh, ravina hi justin here from pti hi justin hi uh, you know ravina with the arrival of giants like netflix in india the audience was suddenly exposed to like content from across the world um, compared to back when you started in the day in the 90s uh, to what we are now you think the audience is more f unforgiving today you think that uh, anything bad or mediocre won't make the cut anymore um, i think that has been the rule since ages. So it's not something that is now new to uh, behold. Uh, I think it's always been um, a content has always been king, and that has been proved again and again. Um, it is what I feel uh, it's, it's, it's not the star or the star face or the star value, it's the characters and the content that makes any show very, very powerful and very gripping to watch so i am kasturi dogra right now but i could have been in not ravina tandon playing this it could have been anyone else playing that kasturi dogra in itself is so so strong that she would reach out to you anyhow the way it's been shown and and the way you just saw so for me it's it's not a thing that oh you know it's mediocre or it's average, and let's 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 pass it. I think what is strong or what needs to be today is is content and how everyone makes it. Thank you. Uh, we have time for one more question. So, can uh, we pass hi. on the microphone? Hi, can I ask? Okay, hi. This is Monica from Hindustan Times. Uh, congratulations, everyone. Ravina, especially to you for your OTT debut. Uh, my question is for Ashutosh, sir. Um, it is a very intriguing trailer that we just saw, so congratulations for that. What I want to ask you is every artist, while saying yes for a particular role, considers a lot of factors. So, what was it for you? Was it the format, that it's a long format series, or was it your particular role, or maybe your beautiful co stars next to you? What made you go for Aranyak? Uh. मैं बड़ा भाग्यशाली था कि मुझे पहला ही पूरा नरेशन हमारी जो इस सीरीज़ के डायरेक्टर हैं विनय इन्होंने पूरा तफसील के साथ सीन बाय सीन एक तीन घंटे का पूरा नरेशन उन्होंने मुझे विद जो आपके कैमरे के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके साथ सुनाया था तो शूटिंग के पहले ही मैंने वो पूरी फिल्म देख ली थी और इसमें जो किरदार था तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे मैं जनरली जब मैं सुनता हूँ और मुझे हिट करती है तो वो कैरेक्टर के नाम होते हैं तो जब इन्होंने महादेव डोगरा कहा तो वो जो कान में महादेव डोगरा ने जो केमिकल रिएक्शन किया और उसके बाद फिर इन्होंने जो कहानी सुनानी शुरू की और कहानी सुनने के बाद इन्होंने बताया कि इस कहानी को कौन प्रेजेंट कर रहे हैं बोले ये नेटफ्लिक्स पे जाएगी फिर इसके साथ सिप्पी फिल्म्स हैं और इसके साथ सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं और ये सारे वो लोग हैं जिनके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ कि ये कोई ऐसा कंटेंट लेके नहीं आते हैं जिस कंटेंट में कहीं जो दर्शकों के साथ बेईमानी करे ये दर्शकों की रुचि का उनके मनोरंजन का और उनकी उन तमाम चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं और जिस तरीके से विनय मुझे सुना रहे थे तो मुझे लगा कि मैं किसी चाइनीज़ मम्मी के हवाले पढ़ने वाला हूँ क्योंकि वो चाइनीज़ भारतीय माताएं तो पीठ के बच्चों को सिखाती हैं लेकिन चाइनीज़ मम्मियाँ जो होती हैं वो पुचकार पुचकार के बच्चों को उनकी एज पे ले जाती हैं और एज पे ले जाने के बाद उनसे कुछ और भी करवाती हैं और और करवाने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं होती और वो फिर कुछ और करवाती जिनको आप टाइगर मॉम्स कहते हैं तो मुझे लगा कि एक एज एन एक्टर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है अपनी सीमाओं को जानने की देखने की और आशुतोष राणा को मिटाने की तो और मुझे ये लगा कि ये आदमी आशुतोष राणा को मिटा देगा क्योंकि आशुतोष राणा जब मिटेगा तभी कहीं महादेव ढोगरा खड़ा होगा तो ये मिटाने की प्रक्रिया थी और मैं मिटाने वाले के साथ जुड़ा और मैं उस चीज़ का परिणाम है कि आरण्यक जो है क्योंकि इन्होंने मिटा के कुछ लोग मिटा के बनाते हैं तो जैसा मेरे किरदार का नाम है वैसा ही विनय का जो निर्देशकीय कुशलता थी वो विनय की थी तो इसमें बहुत बहुत क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वही आपके जहन में कायम रहता है और ये सौभाग्य है कि विनय ने कि विनय से पहली बार मेरी मुलाकात हुई और स्क्रिप्ट के साथ हुई और इन्होंने जिस तरीके से पूरा नरेशन दिया तकरीबन तीन सवा तीन घंटे और मैं जैप्ट था और फिर जब स्क्रिप्ट आई तो मैंने कहा मुझे क्या पढ़ना है अब पढ़ना ही क्यों है क्योंकि अब जो है वो आपके दिमाग में क्लियर है और मैं अपने आप को आपके पास छोड़ने के लिए पूरा का पूरा तैयार हूँ और वो परिणाम बड़ा सुखद रहा क्योंकि आरण्यक का जो पूरा अनुभव है और इतनी विपरीत परिस्थितियों में जहाँ पे आपको क्लाइमेटिक कंडीशन आपकी बिल्कुल अगेंस्ट थी फिर कोविड के दौरान आप शूट कर रहे थे आपको सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पूरा का पूरा पालन करना था आपके पास मतलब एक आप एलियन स्पेस में काम कर रहे थे और उसमें जब आपको इस किस्म के मीठी किरदार और इस किस्म के मीठी और ख़ास करके ये मेरा मतलब जो थ्रिलर है ये मुझे बड़े प्रिय हैं तो सारी की सारी चीज़ें एक साथ थी और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि 2021 मेरा नेटफ्लिक्स के साथ शुरू हुआ पगलेट से और 2021 मेरा नेटफ्लिक्स के साथ ही समापन हो रहा है आर से तो ये अद्भुत है कि नेटफ्लिक्स से शुरू होकर आप नेटफ्लिक्स पे समाप्त हो रहे हैं thank you very much everybody but uh, i would like to add that about about vineej ji uh, really thank you vineej ji i have to say inke naam pe mat jana but actually question mark hai inke naam mein bhi viney cool? उस नाम पे मत जाइएगा. cool तो हटा dijiyega tiger mom was the correct name we can give all of him बट जैसे कि आशुतोष जी ने अभी कहा कि इन्होंने आशुतोष राणा को मिटा के दैट इज़ वॉट आई मेंट विद माई प्रीवियस आंसर एक्चुअली बट आई शुड हैव गिवन विनय क्रेडिट फॉर दैट कि रवीना टंडन नहीं कोई और भी हो सकती थी कस्तूरी डोगरा लेकिन वो कस्तूरी डोगरा इतनी पावरफुल है जिन्होंने जो मैं सिर्फ विनय जी नहीं बट एल से चारू ऑल्सो रोहन ऑल्सो एंड एवरी वंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेक कस्तूरी डोगरा वॉट कस्तूरी डोगरा इज़ एंड वॉट यू विल सी ऑन द टेंथ Of uh, uh, चारू मैं क्षमा चाहता हूं आप इसको ये मत समझिएगा मैं पहली बार इनसे मिला हूं लेकिन भैया तुम uh, आपके लिखे हुए एक एक शब्द को बड़ी शिद्दत के साथ बोला <laughs> कसम से तुम uh, और, हम तो मैं आज मिला इनसे अभी और जब मैं मिला और एक शिष्टाचार वर्ष हमने नमस्कार किया तो सबको लगा कि जैसे मैं और चारू बड़े पुराने दोस्त हैं अब इसमें ये हमारी भी अपनी फितरत है कि मैं अपरचय में भी सुपरचय की मुस्कुराहट देता हूँ और फिर मैंने पूछा मेघना से और जाकिर भाई से मैंने कहा ये कौन है तो बोले तुम नहीं जानते मैंने कहा नहीं जानता तो बोले अपराध है ये तो मैंने कहा भाई मुझे बताइए तो कितना बड़ा अपराध है बोले ये तो चारू हैं यही तो हैं जिन्होंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है और मैंने तुरंत इनसे क्षमा मांगी और मैंने कहा भैया अगली बार जब कलम चलाओ तो कृपा करके इस नाचीज को याद रखना और कसम है कि तुम्हारे एक-एक शब्द को मैं उतना ही सम्मान दूंगा जितना तुम आ, अपना लिखते समय सब, देते हो हम सब चारू जी थैंक यू वेरी मच आज तो जी आप जैसे बता रहे थे आप सब बता रहे थे बात चैलेंजेस से शुरू हुई थी जब पहला नरेशन दिया था और आज जो आपने देखा वो जो जर्नी है उस दिन से लेकर अब तक हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग है क्या वो वैसा ही रहा या उससे बहुत बड़ा बन गया बहुत मतलब बहुत कमाल का है और आप जब देखेंगे आरण्यक की पूरी की पूरी कहानी क्योंकि आरण्य अरण्य हमेशा से ही रहस्यों का स्थान रहा है और अरण्य में रहने वाले आरण्यक उन रहस्यों के सौदागर होते हैं जो उन रहस्यों की गांठें खोलने का काम करते हैं तो ये रहस्य और रहस्य के जो सौदागर हैं उनकी जो गांठें हैं उसको खोलने की जो दास्तान है वो बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने फिल्माई है और थ्रिलर की सबसे अच्छी खूबी जो टेक्निकल आस्पेक्ट से मैं कहता हूँ आपने सवाल पूछा था चारू से और चारू चूँकि शर्मीले हैं वो लिखने में विश्वास करते हैं कहने में नहीं करते हम और हम लोग कहने में विश्वास करते हैं और करने में करते हैं इसलिए मैं कह देता हूँ थ्रिलर में क्या होता है कि जब भी थ्रिलर बनाते हैं तो थ्रिलिंग का जो डिपार्टमेंट होता है वो राइटर का होता है डायरेक्टर का होता है और एडिटर का होता है लेकिन जैसे ही थ्रिलर सुनते हैं तो हम एक्टर्स जल्दी में रहने लगते हैं और हम इतने भयंकर तेजी के साथ क्योंकि हम थ्रिल क्रिएट क्रिएट करना चाहते हैं और वहां पे एक समझदार राइटर खड़ा था और वहां पे एक समझदार निर्देशक खड़ा था उसने कहा कि आप क्यों भाग रहे हैं आप इतमिन रहिए ना भागने का काम हमारा है थ्रिल पैदा करने का काम हमारा है सस्पेंस पैदा करने का काम हमारा है आपका तो काम यह है कि आप इतमान से उस जगह पे मौजूद रहें, और मैंने इन्हीं के उसमें सीखी ये बात, जो मैं आज बता रहा हूं कि एक्टर हमेशा कोशिश करता है कि उसके शब्द सुनाई दें, और सन्नाटे यानी पॉजेस दिखाई दें, लेकिन करते करते मुझे लगा कि आशुतोष एक्टर के सन्नाटे सुनाई पड़ने चाहिए और शब्द दिखाई पड़ने चाहिए तब आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो कमाल की निकल के आती है और ये हुआ कि सन्नाटे आपको दिखाई देंगे स्क्रीन के ऊपर आरंढक में और शब्द जो हैं वो आपको दिखाई देंगे तो इनके शब्द दिखते हैं और सन्नाटे सुने जाते हैं तो ये अद्भुत हमारा सफर रहा है और एक और चीज मैं ये लाइट और उसमें कह दूं कि ये आपने इतना अद्भुत काम कर दिया है सवाल हमेशा अंधेरे में से आते हैं और जवाब हमेशा प्रकाश की तरफ से जाते हैं क्या बात है।, है तो ये बड़ी विचित्र जीवन की स्थिति आपने पैदा की है और हमें सवालों सवाल तो सुनाई पड़ रहे हैं लेकिन सवाल डार के कि चेहरे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं अन्यथा जब चेहरे दिखाई पड़ते हैं तो सवालों की तासीर सवालों के मुताबिक नहीं चेहरों के मुताबिक होने लगते तो बहुत बहुत धन्यवाद कि सवालों को ईमानदारी से हमने सुना और उसके ईमानदारी से हमने जवाब देने का प्रयास आपने किया आपने जो सन्नाटों की बात की तो दस दिसंबर के लिए हम तैयार हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि ये परिवार इकट्ठा हो गया मैं गुजारिश ये करूंगा कि एक पारिवारिक तस्वीर हो जाए सर मैं तो ट्रेलर देख रहा था मैं कैसे घुसूंगा उसके अंदर बहुत अच्छी एक और बात है कि 10 दिसंबर मेरे छोटे बच्चे का जन्मदिन है तो मैंने उससे कहा कि देखो नेटफ्लिक्स ने तुमको अपनी तरफ से एक गिफ्ट दी है कि तुम्हारे पिता का काम क्या दस दिसंबर को दुनिया के सामने आएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद So, let's have a family for this wonderful Aranya family here. Heartiest congratulations to the entire team for creating such a phenomenal show. We're super excited. Across the globe, people are going to be super excited. सन्नाटे जो है वो दिखाई देंगे 10 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर थैंक यू वेरी मच आल्सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल हियर एज वी मूव फॉरवर्ड वी ऑल्सो वेल

Also, I just got a request. Uh, I'm also going to request after photo opportunity for you to please uh, sit down uh, because we're going to have the 3D mapping again. Thank you very much. Thank you, everybody. I'm going to request you to proceed backstage. Thank you, everybody. I'm going to request you to please be seated.